हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी साउथ इंडियन चटनी। इसको आप इडली, डोसा, वड़ा किसी के साथ भी, किसी भी साउथ इंडियन रेसिपी, अप्पम किसी के साथ भी खा सकते हो। बहुत बढ़िया लगती है ये चटनी गाइस, बहुत ही इजी तरीके से हम झटपट इसको बना लेंगे। तो चलिए हम बनाते हैं। यहाँ पर मैंने ले कोई भी तेल कुछ भी नहीं डालना है। पीनट्स को हल्का सा हमें रोस्ट कर लेना है और उसको निकाल लेना है। अब हम सेम कढ़ाई में तेल ले लेंगे, उसमें डालेंगे 5 से 6 लहसुन की कलियाँ और एक बड़ा साइज़ का प्याज कटा हुआ। और इसमें डाल रहे हैं हम एक सूखी लाल मिर्च और यहाँ पर हमने डाल दी है नारियल। तो यहाँ सूखा नारियल यूज़ कर रही हूँ मैं। इसको डाल के इसको भून लेते हैं अच्छे से। भूनने के बाद हम इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। अगर आप पीनट्स ऑलरेडी रोस्टेड किए हुए यूज़ कर रहे हो तो पीनट्स आपको दोबारा रोस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। अब हम इन सबको ठंडा कर लेंगे और इसको एक मिक्सर जार में हम ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरह से। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 चम्मच नमक, आप स्वाद के अनुसार नमक एडजस्ट कर सकते हो। और इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, जिससे इसका कलर बहुत बढ़िया आएगा। अब हम इसमें डाल विनेगर, 1 चम्मच के करीब विनेगर डालिए, इससे चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड कर लिया है हमने इसको, अब हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। चटनी अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हुई है, असली चीज़ तो अभी लगानी बाकी है, जो कि चटनी में तड़का। तो एक तड़का पैन में हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 छोटा चम्मच तेल, जिसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पर जीरा। जीरा हल्का सा चटक जाए, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको हम गैस से उतार लेंगे इस तरह से, वरना जीरा हमारा ज़्यादा जल जाएगा। गैस से उतारने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता, और इस तड़के को हम हमारी चटनी के ऊपर डाल देंगे। और ये लीजिए गाइस, रेडी हो चुकी है हमारी साउथ इंडियन चटनी। बहुत टेस्टी लगती है गाइस, इसको आप इडली, सांभर, अप्पम, वड़ा किसी के साथ भी खा सकते हो। डोसा के साथ तो और भी ज़्यादा कमाल लगती है। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना।